हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपको इजी गार्डनिंग और सिंपल गार्डनिंग में इंटरेस्ट है और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना पसंद करते हैं या फिर कम बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब कि ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के वीडियोज़ पाने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। तो आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग विद फॉर्म्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने ग्रो किया है रोज़ को कटिंग से, और इसमें देसी रोज़ भी हैं और इंग्लिश रोज़ भी हैं, जो कि काफ़ी स्पेशल बात है हमारे लिए। और देखिए, इस तरीके से आपको तो पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है हाउ टू ग्रो कटिंग ऑफ रोज़। तो इसी तरीके से पहला इसका स्टेप है कि किसी भी ग्लास या किसी भी तरह के आप पॉट को ले लें, और इसमें जो है ये मैं रिवर सैंड सिंपली भर रही हूँ। और रिवर सैंड में भरने की प्रक्रिया में ये रहे कि कोई पत्थर ईंट के टुकड़े उसमें ना जाए, सिर्फ रिवर सैंड ही रहे। तो इस तरीके से मैंने चारों ग्लास में, ये जो है कोल्ड ड्रिंक की ग्लास थी जिसे मैंने रख लिया था धो करके, वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ कबाड़ से जुगाड़। और रिवर सैंड भरने के बाद इसमें हम जो है फुल ऑफ वाटर भर देंगे। और जब तक कि इसमें वाटर जो है आप देखें नहीं कि नीचे से ड्रेनेज होल से निकल रहा है, तब तक इसमें वाटर आप भरते रहें ताकि आपको पता लग जाए कि जो सैंड है वो नीचे तक भीग चुकी है। तो वाटर डालने के बाद हम अब अपने कटिंग को इसमें फटाफट से लगा देंगे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊँगी जिससे आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। कटिंग जब भी लगाएं तो नीचे की कटिंग जो है तिरछी लगाएं 45 डिग्री के एंगल से, और धारदार इक्विपमेंट से ही इसकी कटिंग को आप काटें। इसमें इंग्लिश रोज़ के भी कटिंग है और देसी रोज़ के भी कटिंग है। ये देखिए, नोड एरिया से नीचे की जो कटिंग है वो मैं तिरछी कट लगा रही हूँ। नोड एरिया के पास से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो और भी अच्छी बात है। और इस तरीके से मैं रिवर सैंड में इसको डाल दे रही हूँ। और आखिर में जो कटिंग हम लगाते हैं उसमें जो है ऊपर से देखने को मिलता है कि ब्लैक ब्लैक कुछ, मतलब कि पौधा ऊपर से सड़ने लगता है कटिंग जो है, तो वो नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें। और ये देखें, इस तरीके से कटिंग जो है लगा देना है। और आखिर में मैं क्या करूँगी, इस तरीके के जो पत्ते वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी, कटिंग जब आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके के पत्ते जो है हटा लें। और कटिंग लगाने के बाद का एक और प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इसी वीडियो में है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें। तो इस तरीके से ये चार कलर के रोज़ के प्लांट हैं, जिसमें से दो देसी हैं और दो इंग्लिश रोज़ हैं। तो इस तरीके से हमने चारों प्लांट्स की कटिंग जो है लगभग लगा दी है। अब अगर कटिंग की जो लंबाई है अगर ज़्यादा है, तो जैसे कि मुझे लगा कि इसकी कटिंग की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने ऊपर से इसे कट करके छोटा कर दिया। और इसके जो लीफ वगैरह थे जो पहले प्लांट में लगे हुए थे वो भी मैं इसे कट करके हटा दूंगी, और लंबाई भी इसकी थोड़ी छोटी कर दूंगी। और अगर ऊपर से भी अगर आप तिरछी कटिंग लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपके पास नेल पेंट है तो ऊपर से इस तरीके से लगा दें, और इस तरीके से प्लास्टिक से कवर भी कर दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कटिंग ग्रो करने का। तो इसके बाद चलिए 10 दिनों के बाद का रिज़ल्ट देखते हैं। इस तरीके से बीच में आपको इसे खोलना नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें पानी बिल्कुल बीच में नहीं देना है, कम से कम 20 दिन तक। तो इस तरीके से इसमें ग्रोथ देखिए आप 10 दिनों के बाद। और मैंने इसमें बिल्कुल भी इसको प्लास्टिक को खोला नहीं था, और ना ही इसे मैंने पानी डाला है। मॉइस्चर क्योंकि प्लास्टिक से ढका हुआ था तो मॉइस्चर जो है बना हुआ था। तो इस तरीके से पानी नहीं देना है आपको बीच में बिल्कुल भी, और ना ही इसे बार बार खोल करके देखना है। और इसे सेमी सेड एरिया में आपको रखना है, बिल्कुल कंप्लीट सेड में भी नहीं रखना है। तो सेमी सेड एरिया में रखें जहाँ पर धूप की जो गर्माहट होती है वो मिले, लेकिन डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा। तो इस तरीके से 10 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसको मैं दोबारा से ढक दूँगी और इसके कुछ दिन के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको फिर दिखाऊँगी। तो इस तरीके से रोज़ जो आप हैं, किसी भी तरीके का किसी भी कलर का रोज़ जो है, इसमें चार कलर के रोज़ हैं और लगा सकते हैं। चलिए आप टोटल 14 डेज़ का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने
कटिंग की ग्रोथ देख के दोबारा इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करके सेमी सेड एरिया में रख दिया था। तो अब मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ 14 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा है और रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा है। और क्योंकि इससे पहले मैंने भी कभी कटिंग रोज़ की ग्रो की थी तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला था। तो इस तरीके से देखिए आप कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, कितनी अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ हो रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो लगा कि नहीं, अब जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तो आपके साथ इसे जो है शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से रोज़ का जो कटिंग है काफ़ी मुश्किल होता है लगाने में, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आसानी से 100% सक्सेसफुल रेट आएगा आपका कटिंग लगाने के लिए। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं, हर तरफ से ग्रोथ हुई है, नीचे से ऊपर से, और हर ग्लास में मैंने करीब दो दो कटिंग लगाई थी। तो दोनों ही कटिंग में ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि एक में है एक में नहीं है, दोनों कटिंग्स में ग्रोथ हुई है। और इसे मैं अब प्लास्टिक से कवर नहीं करूंगी, अब इसे ऐसे ही सेमी सेड एरिया में रख दूंगी। लेकिन अभी इसे को अभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रोज़ कटिंग के ऊपर में, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि रोज़ की कटिंग ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करेंगे तो रोज़ की कटिंग आप काफ़ी आसानी से सिर्फ रिवर सैंड में ग्रो कर सकते हैं बिना किसी झंझट के और बिना किसी पैसे के खर्च के। तो इस तरीके से रूटिंग हार्मोन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और फिर अपडेट का इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है तो इसी तरीके के वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर के आती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।